आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है, पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बुधवार को अपने पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया के लिए भावुक हो गए। बवाना के दरियापुर गांव में नए स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की शुरुआत के दौरान केजरीवाल ने कहा कि उन्हें मनीष सिसोदिया की आज बहुत याद आ रही है। जेल में बंद नेता का नाम लेते ही केजरीवाल का गला भर आया। उन्होंने खुद को संभालते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था में आए बदलावों का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अच्छी शिक्षा देकर ही गरीबी दूर की जा सकती है। आजादी के बाद सरकारी स्कूलों पर सबसे अधिक खर्च किया गया होता तो 1970 तक ही देश की गरीबी दूर हो गई होती। इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भी याद किया और उनका नाम लेते ही वे भावुक हो गए। दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। केजरीवाल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगा के फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। उनको लगा कि उनको जेल में क्यों डाला हुआ है, देश में इतने बड़े बड़े डाकू घूम रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते। उनको मनीष सिसोदिया को जेल में इसने डाला हुआ है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोग मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मनीष जी की बहुत याद आ रही है, यह उन्हीं का सपना था। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए और उसे खत्म नहीं होने देंगे। पानी पीने के बाद केजरीवाल ने खुद को संभाला और कहा कि मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। उन्होंने झूठे आरोप लगाकर और फर्जी मुकदमे लगाकर इतने अच्छे आदमी को इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। देश में इतने बड़े बड़े डाकू घूम रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते। मनीष जी को जेल में इसलिए डाला कि वे अच्छे स्कूल बना रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है। यदि वे स्कूल नहीं बना रहा होता और बच्चों को नहीं पढ़ा रहा होता तो उसे जेल में नहीं डालते। उनको तकलीफ हो रही है कि वे अच्छे स्कूल बना रहा है और आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ देश भर में लोग यही बात करते हैं कि दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए हैं, नतीजे अच्छे आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया यदि आपके लिए काम नहीं करते तो उन्हें जेल नहीं होगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।